कल ये पुलिस का भी निजीकरण होगा। याद रखे पुलिस वाले भाइयों, आपकी भी सेवा 10 साल की जाएगी। सेना का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, कोर्ट का निजीकरण, न्यायालय का निजीकरण। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र युवा संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे महागठबंधन के नेता। भारत सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र युवा संगठनों द्वारा आहूत बिहार बंद के समर्थन में आज मधेपुरा में महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग को घंटों किया बाधित। मौके पर आंदोलनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर महागठबंधन के जिला संयोजक एवं भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। अच्छे दिन का भरोसा दिलाकर देश के छात्र नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। सेना में ठेका पर 4 साल की नौकरी देकर निजीकरण के दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार देश विरोधी योजना वापस ले, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये हमने जो प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं के समर्थन में, आज सेना का निजीकरण हो रहा है। सेना का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, कोर्ट का निजीकरण, न्यायालय का निजीकरण, और कल ये पुलिस का भी निजीकरण होगा। याद रखे पुलिस वाले भाइयों, आपकी भी सेवा 10 साल की जाएगी। जब सेना को 4 साल किया जा रहा है तो पुलिस का सेवा 10 साल करने में उसको क्या दिक्कत है? पुलिस को भी निजी हाथ में दे दिया जाएगा। टाटा बिरला डालमिया जो है उसके हाथ में रहेगा। आप लोगों को 5-10 हजार रुपये तनख्वाह दिया जाएगा। यही तो हो रहा है, सब कुछ का निजीकरण। ये जो है वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में जनता का कल्याण सोचा जाता है, न कि बनियागिरी किया जाता है। हम लोग मोदी के जन विरोधी नीति के खिलाफ छात्र युवाओं जो संघर्ष कर रहे हैं उनके हित में हम समर्थन दे रहे हैं। रमन कुमार, बिहार राज्य किसान सभा, बिहार सचिव। हम लोग आज अग्निपथ योजना के खिलाफ में जो छात्र नौजवान संगठनों के द्वारा बिहार बंद है उसके समर्थन में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांगे हैं कि यह अग्निपथ योजना छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, छात्रों के साथ मजाक है, छात्रों के साथ धोखा है। इसलिए अविलंब भारत सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। यह योजना सेना को प्राइवेटकरण करने की साजिश है। यह योजना के माध्यम से देश के नौजवानों के, देश के कर्णधारों के साथ जो मजाक किया जा रहा है, इस प्रकार की मजाक पूरे दुनिया के पैमाने पर किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यह सरकार बेशर्मी सरकार है, यह सरकार बेरहमी सरकार है, यह सरकार निर्लज्ज सरकार है, यह सरकार जन विरोधी सरकार है, यह सरकार छात्र युवा विरोधी सरकार है। और इसलिए जिस तरह से नोटबंदी किया गया, GST किया गया, कृषि कानून लाया गया, CAA लाया गया, उसी तरह भारत सरकार का यह अगला जन विरोधी कदम है। हमारी मांगे हैं कि यह जन विरोधी कदम वापस ले, अग्निपथ योजना वापस ले। और आम नौजवानों को अपने घोषणा के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कहा था, हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी, तुम अपने वादे को पूरा करो, नहीं तो हिंदुस्तान के नौजवान तुम्हारा खैर नहीं रखेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, संघर्ष तेज करेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रमोद प्रभाकर, जिला संयोजक महागठबंधन मधेपुरा, सहराष्ट्रीय परिषद सदस्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। केंद्र की आताताई, अहंकारी और जुल्मी सरकार एक एक करके सभी तबके के लोगों को टारगेट कर रही है। यह जुल्मी मोदी सरकार किसी को चैन से सोने देने वाले नहीं है। ये जो अग्निपथ योजना उन्होंने लाई, जिसके आग की चिंगारी बिहार से निकली और आपको हिमाचल प्रदेश से लेकर के कई अन्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में यह फैल चुकी है। आप देख सकते हैं छात्र और नौजवान पूरी तरीके से सड़क पर है। राष्ट्रीय जनता दल खुले तौर पर इस आंदोलन का समर्थन किया। आज मधेपुरा की धरती पर यह जो आप विराट प्रदर्शन देख रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, जुल्मी मोदी सरकार तुम घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओ और ये जो तुमने फैसला लिया है इसे वापस लो, नहीं तो तुम्हें हर हालत में जनता नंगा करके छोड़ेगी। संजीव कुमार, जिला प्रवक्ता, युवा राजद, मधेपुरा।